नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जर्नी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं साउथन ब्रेव वर्सेस स्टैंड क्रिकेट में होने जा रहा था 100 का 25th मुकाबला, जो कि आज के दिन होने वाला है। बात करें दोनों ही टीम की, साउथन ब्रेव का अभी तक बिल्कुल भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा। पिछले साल की चैंपियन रह चुकी है भाई, पिछले साल की चैंपियन है भाई, अब की बार जो इन्होंने बिल्कुल भी चैंपियन वाला परफॉर्मेंस नहीं दिखाया अभी तक भाई। अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं, 6 में से सिर्फ 2 मुकाबले अपने नाम करे, यानी कि परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा गंदी चल रही है। ट्रेंट रोगेट की बात करें, ट्रेंट रोगेट ने 6 मुकाबले खेले हैं, 6 में से 5 अपने नाम करे, यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है। चैंपियन की तरीके भाई ट्रेंड रोगेट खेल रही है। अगर जो बात करें दोनों ही टीम की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक टीम है जो अब की बार मुकाबला लेकर के जा पाएगी। कौन सी भाई, पिछले साल की चैंपियन या फिर इस साल की चैंपियन, देखते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वेन्यू की। ये मुकाबला होने वाला है 25 अगस्त 2022 शाम को 11:30 बजे, रात को इंडियन टाइम अनुसार रात को 11:30 बजे होएगा, और द रोज वॉल में ये ग्राउंड में होने वाला है। अगर जो पिच की बात करें, इस वाले जो ग्राउंड है, इस वाली पिच की बात करें, तो यहाँ पर अभी तक 100 के टोटल 7 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 2 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, 5 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। यानी कि यहाँ पर टारगेट चेजिंग के ज़्यादा चांस है। पहले बल्लेबाजी ना लेकर के पहले बॉलिंग करना फायदे में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो पिच के स्टैट है वही बोल रहे हैं कि भाई पहले बल्लेबाजी मत करो, दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करो। फर्स्ट एवरेज इनिंग स्कोर यहाँ 147 का है, टारगेट चेजिंग स्कोर 143 का है, और टारगेट डिफेंडिंग स्कोर यहाँ 159 का है। यानी कि मेरे को जो लगता है यहाँ पर टारगेट जो है एक मीडियम स्कोरिंग रहने वाला है। 150 तक हम लोगों को 150 के आसपास ही रन देखने के लिए मिलेंगे। 140 तक भी यहाँ पर चांस है कि भाई 140 तक ही बन करके रह जाए, लेकिन अगर जो 140 तक रन बनते हैं तो भाई समझ जाना टारगेट चेज हो जाएगा। लेकिन अगर जो 150 से ऊपर रन बनने शुरू हो जाते तो भाई टारगेट डिफेंड के चांस बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर जो बात करें टीम परफॉर्मेंस की, तो टीम परफॉर्मेंस के मामले में देखो, साउथन ब्रेव का ये होम ग्राउंड है, तो होम ग्राउंड को वो बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाली है। साउथन ब्रेव ने अभी तक इस वाली पिच के ऊपर 7 मुकाबले खेले हैं, 7 में से 5 अपने नाम करे हैं। यानी कि साउथन ब्रेव की जो टीम है होम ग्राउंड के मामले में, यहाँ पर जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पर जो पिच है, जो उनका खुद का पिच है, इस चीज का वो एडवांटेज उठाएगी। ट्रेंड रोगेट ने भाई अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला, लेकिन साउथन ब्रेव ने 7 में से 5 जीते हैं, यानी कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा वो अपने ही ग्राउंड में। तो यानी कि बस मेरे को यहाँ पर एक एडवांटेज लग रही है साउथन ब्रेव के पास कि भाई वो अपना होम ग्राउंड का फायदा उठा सकता है। बात करें दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 की, दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 किस प्रकार से रहने वाली है, तो सबसे पहले बात करते थे साउथन ब्रेव की। साउथन ब्रेव ने भाई 6 में से 2 ही मुकाबले जीते हैं, पर अभी तक इन्होंने अपनी टीम में कुछ खास चेंज नहीं करे हैं, सेम एज इट इज प्लेइंग 11 के साथ आने वाली है। अगर जो बात करें बल्लेबाजों की, तो देखो बल्लेबाज जो शुरू के क्वेंटन डीकॉक तो काफी अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस देकर के जाते हैं, कुछ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ हैं जो नहीं कर रहे, मतलब टीम जो है एक बैलेंसिंग टीम नहीं बनती। जिस प्लेयर से उम्मीद करी जाती है कि वो प्लेयर रन देकर के जाएगा, वो भी नहीं दे पाना, मतलब पूरा मैं कहना चाहूंगा कि बल्लेबाजी ज्यादा दम वाले बल्लेबाजी नहीं है। गेंदबाजी की बात करें, गेंदबाजी ठीक ठाक कह सकता हूँ, ज़्यादा बेकार तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही बेकार है, ना मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छी है, पर यह है गेंदबाजी ठीक ठाक है। लेकिन बल्लेबाजी में इंप्रूवमेंट की मुझे जो लग रहा है बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वहीं बात करें ट्रेंट रोगेट की, ट्रेंट रोगेट की प्लेइंग 11 में नज़र डालें तो भाई देखो, राशिद खान की जगह यहाँ पर दूसरे प्लेयर आ सकते हैं। राशिद खान जो है भाई यहाँ पर एशिया कप के लिए जा रहे हैं अपनी टीम के पास, तो इसलिए हो सकता है या फिर राशिद खान का ये लास्ट मुकाबला हो, फिर इसके बाद राशिद खान हम लोगों को नहीं देखने के लिए मिलने वाले। बाकी तो ट्रेंट रोगेट की प्लेइंग 11 सेम रहने वाली है। वो जो बात करें बल्लेबाजों की, बल्लेबाज काफ़ी अच्छे हैं। गेंदबाज की बात करें, गेंदबाज भी अच्छे हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा अच्छे तो कहूँ, उनके बहुत ही तगड़े हैं, ना मैं कहूँगा ज़्यादा बेकार हैं। एक बैलेंसिंग टीम है, काफ़ी अच्छा हर प्लेयर आता है, थोड़े बहुत रन दे करके जाता है, यही एक टीम को परफेक्ट बनाता है। तो मैं कहूँगा ट्रेंट रोगेट की जो टीम है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो यहाँ पर मैच जो हारे हैं, ये जो एक मैच हारे हैं, वो थोड़ा सा बॉलर्स की वजह से हारे हैं, बाकी तो भाई बल्लेबाजी और गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। वहीं बात करें दोनों ही टीम के लास्ट 6 मुकाबलों के, भाई लास्ट 6 मुकाबलों में दोनों ही टीम का क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो देखो साउथन ब्रेव ने भाई 6 में से 3 मुकाबले अपने नाम करे हैं। बैटिंग एवरेज स्कोर 149 का है, बॉलिंग एवरेज स्कोर 12.08 का है। यानी कि मैं कहूँगा कि भाई ना तो बैटिंग अच्छी है ना बॉलिंग अच्छी है, दोनों ही खराब है। बैटिंग तो भाई ठीक ठाक है, एक बार ठीक ठाक है, पर बॉलिंग तो बहुत ही ज़्यादा महंगी नजर आ रही है भाई। 149 बैटिंग एवरेज स्कोर चलता है, पर बॉलिंग एवरेज स्कोर भाई बहुत ही ज़्यादा महंगा है। वहीं बात करें ट्रेंड रोकेट की, 6 में से 5 मुकाबले अपने नाम करे हैं। बैटिंग एवरेज स्कोर 168 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। द 100 में T20 के हिसाब से 168 का बैटिंग एवरेज स्कोर बहुत ही अच्छा होता है। और बॉलिंग की बात करें 11.19, जो कि मैं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ी सी महंगी है। सो इसलिए कहना चाहूँगा कि भाई बैटिंग के मामले में ट्रेंड रोकेट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बॉलिंग के मामले में दोनों ही टीम सिमिलर सी नज़र आ रही है। अगर जो बात करें फाइनल रिजल्ट की, फाइनल प्रिडिक्शन क्या होने वाली है, तो मेरे हिसाब से जो विन परसेंटेज बनती है इस वाले मैच की, वो बनती है भाई 60 और 40 की। 60% बनती है ट्रेंड रोकेट की और
ट्रेंड रोक किट के बाद दूसरी 40% वह साउथर्न वेव की। साउथर्न वेव के पास बस यहाँ पर एक ही एडवांटेज है, वो है होम ग्राउंड का। अगर जो वो होम ग्राउंड का एडवांटेज उठा सकती है तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी, नहीं तो ट्रेंड रोक किट तो भाई ये मुकाबला हारने के लिए पक्की है, क्योंकि भाई एक ही एडवांटेज है और ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। बाकी तो देखते हैं क्या होएगा मैच में। अगर जो बात करें फाइनल रिजल्ट की, भाई फाइनल रिजल्ट भी मैच कौन जीतने वाला है, तो हमारी तरफ से ट्रेंड रोकेट ये मुकाबला लेकर के जाने वाली है, क्योंकि भाई तीन फील्ड में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। एक तो भाई लास्ट है मुकाबलों में, प्लेइंग 11 में, बॉलिंग में, बैटिंग में, ये इन सब में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो देखते हैं भाई यहाँ पर कौन सी टीम मुकाबला लेकर के जाएगी, पर हमारे हिसाब से ट्रेंड रोकेट कन्फर्म है। अगर जो आप लोग मैच को और डिटेल में जानना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम एंड गुड बाय।